सरोज मेहरा, जिला पार्षद वार्ड नंबर 10 से। आज गंगाईचाहीर में हमारे सीएम साहब आए थे, जनसंवाद था वहाँ पे, और मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है जो रिसीव करने का मौका मिला और चाय भी सीएम साहब के साथ पीने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा रहा और सीएम साहब ने तुरंत सबकी समस्याओं का समाधान किया है, वहीं पे निपटारा कर दिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा। ठीक। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि अभी हम बैठ के डिस्कस करते हैं और इसका जल्द से जल्द समाधान होगा। हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। मैं धनीराम मेहरा, समाज सेवी, बीकानेर से, पार्षद पति। आज का प्रोग्राम, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि गंगाईचाहीर बीकानेर में की पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और जनसंवाद सुना, और जो लोगों ने समस्याएं दी, 80% समस्याओं का निदान तो तुरंत कर दिया, बाकी जो बची है वो भी आने वाले समय में हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। जो भी समस्याएं सरपंचों ने, आसपास के जो सरपंच है उन्होंने जो भी समस्याएं दी, ज़्यादातर का समाधान तो तुरंत ही कर दिया मौके पर ही, जैसे पेंशन का है या फैमिली आईडी का है, वो तो तुरंत ही समाधान कर दिए हैं। और जो विकास कार्य के लिए प्रस्ताव दिए थे वो आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जरूर से जरूर कराएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, और मैं साथ में प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, एसपी साहब और डीसी साहब का, जिन्होंने पूरी देखरेख यहाँ पे रखी हमारे गांव में, और समय समय पर आके लोगों को बताया, साफ सफाई के बारे में बताया, सुरक्षा के बारे में अवगत कराया। तो मैं खास तौर पे डीसी साहब और एसपी साहब का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा मित्रों, आपको पहले से जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और छठा राउंड आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम होता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक मंदिरगढ़ जिला और एक पलवल जिला, बाकी जिलों में 2-3 दिन विधानसभा के और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जिले कम्प्लीट होता जाएगा, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष, हमने जो आज तक किया, जनता से पूछते हैं जनता कितने उसमें संतुष्ट है, हमारी सब नीतियाँ जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि जनता नीतियाँ बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुँच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएँ उनके डोर स्टेप तक पहुँच रहा है, उसके लिए उनको उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर ना काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे नियुक्तियाँ हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसका लाभ मिलने की बात हो, या फिर राशन कार्ड मिलने की बात हो, ऐसी सब चीज़ें जनता संतुष्ट है। प्रत्येक खड़े होकर जो लोग बताते हैं उसका लाभ उनको मिला है। भ्रष्टाचार रहित शासन की बात हमने की है, उसको जनता महसूस कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज में जब शुरू की जाती है उसमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब सिस्टम ऐसा सब हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम उसी समय उन समस्याओं का समाधान भी करता है। जैसा अभी मैंने प्रत्यक्ष ज्यादा के पूछा कि किसी की पेंशन नहीं बनी है, जितने लोगों ने हमें खड़े होकर के बताया 24 घंटे में उनके हमने पेंशन कई मुझे। एक बालक का केस, डेस्टिट्यूट चाइल्ड, उसके माता पिता का देहांत हो गया, दादी पालती है, उस बच्चे का जो 4,000 रुपये मासिक पेंशन थी वो 24 घंटे में बनवा करके दे। इस प्रकार से सारे काम ये सब किए गए हैं। शनिवार कल के दिन मेरा एक कार्यक्रम, शनिवार को सायकाल 5 बजे कार्यक्रम करता हूँ, किसी एक प्रकार के बातचीत करना हो। कल हमने बातचीत की, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमने शुरू की थी, जिसमें 1,000 रुपया प्रत्येक बेटी
अनुसूचित जाति की तो पहली बेटी से और जो अगर जो अनुसूचित जाति है उनकी पहली के बाद आगे दो तीन आगे दूसरे तीसरी जो बेटी होती है उसके जन्म होते ही 21,000 रुपया हम भारतीय जीवन निगम जीवन बीमा निगम उनके खाते में जमा कराते हैं। 18 साल के बाद बेटी की शादी के समय 1,00,000 रुपया मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सब ऐसी बच्चियों को लगभग 4,00,000 से ऊपर बच्चों के खाते में पैसा जमा कराया जा सकता है। इस जो 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था उसमें पहले दिन अमरेली के 3 गांव थे और उसके बाद रेवाड़ी और बावर इन विधानसभाओं के गांव मैंने किए हैं। अगला जब राउंड होगा उसमें दूसरी विधानसभा के गांव में भी उसमें जोड़ा जाएगा करेंगे। आज रेवाड़ी के कुछ मुख्य नागरिकों से बातचीत हुई। सामान्यतः जैसा विषय रहते हैं शहर की कुछ कठिनाइयाँ समस्याएँ लोकल खास करके बरसात के दिनों में पानी भराव की बात यहाँ का जो नया बस स्टैंड है उसको बनने का विषय था। बहुत साल पहले इसकी घोषणा की गई थी जमीन उसके लिए एक्वायर कर ली गई थी। कुछ केस वगैरह थे वो सब समाप्त हो गए हैं और अब आखिर में PWD ने उसका नक्शा बना करके और चंडीगढ़ भेज दिया है। उसको वहाँ से जैसे ही क्लियरेंस मिलती है इसका टेंडर होकर के नया बस स्टैंड सेक्टर 12 में शुरू हो जाएगा। उसमें 3 एकड़ लैंड उसके लिए रिजर्व की गई है। जो ईवीज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बसें आएगी उनके चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक व्यवस्था करने का रिजर्व किया है। इस प्रकार से 2 दिन का 3 दिन का मेरा कार्यक्रम।